ऐश्वर्या राय बॉलीवुड की एक ऐसी एक्ट्रेस है जिनकी फिल्म आ रही हो या नहीं आ रही हो, लेकिन ये हमेशा लाइमलाइट में रहती हैं। इसके अलावा ऐश्वर्या राय हर मुद्दे पर अपनी बात काफी सोच समझ कर रखती हैं। और टेलीग्राफ से बातचीत के दौरान उन्होंने मी टू कैंपेन और सेक्सुअल हेरेसमेंट के बारे में खुलकर बात की। आपको बता दें कि इस कैंपेन के जरिए दुनिया भर की वुमेन्स अपने साथ हुए सेक्सुअल हेरेसमेंट और छेड़छाड़ के इंसिडेंट को शेयर कर रही हैं। और कई हॉलीवुड बॉलीवुड सेलिब्रिटीज ने इस कैंपेन के जरिए कई सनसनीखेज खुलासे किए हैं। इस मूवमेंट के बारे में बात करते हुए ऐश्वर्या ने कहा, इससे जुड़ी बहुत सी बातें लोगों ने शेयर की है। अच्छी बात यह है कि लोग इस बारे में बात कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि ये मुद्दा दुनिया के किसी एक कोने में सिमट जाएगा, बल्कि ये तो बिजनेस और फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी सच्चाई को बाहर लाने का जरिया बना है। अभी भी लोग इसके बारे में सोच रहे हैं और निडर होकर बात कर रहे हैं। बता दें कि कुछ टाइम पहले ऐश्वर्या राय के मैनेजर सिमोन शेफिल ने बताया था कि कैसे हार्वी वीनस्टीन नाम के शख्स ने ऐश को मोलेस्ट करने की कोशिश की थी, लेकिन मैनेजर ने ऐसा होने नहीं दिया। वहीं अगर ऐश्वर्या की फिल्मों की बात करें तो ऐश्वर्या फिल्म फनी खान की शूटिंग कर रही हैं, जो इस साल 13 जुलाई को रिलीज होगी। आपको हमारी स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताना मत भूलिएगा। और बॉलीवुड से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए NMF News।